हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल पर। हम कर रहे थे बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसकी आपकी 5 यूनिट कंप्लीट करा दी गई हैं और ये आपकी 6ठी यूनिट यहाँ पर कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 6, 7, 8 तीनों यूनिट को हम कवर कर रहे होंगे। आपकी 3 यूनिट बची हुई हैं, तीनों यूनिट को हम इस सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, ये लगभग आधे घंटे से 1 घंटे तक का सेशन आपका रहने वाला है। तो हमारी जो तीनों यूनिट बची हुई हैं उनको ऑप्शनल आप कवर करेंगे और एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमारा, जो हमारी यूनिट का नाम है वो है हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी। ठीक है, हिंदी भाषा के अंदर जो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का यूज़ है वो हमारा टॉपिक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम तो सभी को पता होगा क्या होता है, इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी ये हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आने वाले हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हैं ये। ठीक है, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान से नोट करते हुए चलेंगे। और जो है, अगर नोट नहीं कर रहे हैं आप तो 2 से 3 बार आप वीडियो को देख लेंगे तब भी आपको सफिशियंट हो जाएगा। तो कह रहा है कि केविन स्ट्रॉम एवं माइक क्रेगर के द्वारा इसका जो है 2010 में इसे लॉन्च किया गया था। किसे? इंस्टाग्राम को। इंस्टाग्राम को कब लॉन्च किया था? केविन स्ट्रॉम के द्वारा और माइक क्रेगर के द्वारा 2010 में लॉन्च किया गया था। विश्व की पहली हिंदी वेबसाइट कौन सी है? महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बहुत। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न आपका क्या है कि विश्व की जो पहली हिंदी की वेबसाइट है वो कौन सी है? webdunia.com। ये चीज webdunia.com आपकी पहली विश्व की हिंदी वेबसाइट है। ईमेल का प्रयोग किया गया था। ठीक है, किया जाता है किस लिए? समय बचाने के लिए, या पैसा बचाने के लिए, या सूचना या संदेश तुरंत गति से पहुंचाने के लिए, या सभी के लिए? तो यहाँ पर सारे ऑप्शन आपके मीट कर रहे हैं, क्योंकि हम सारी चीज़ों का के लिए हम ईमेल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ईमेल संदेश को उसके गंतव्य तक सही समय, तिथि, स्टेपिंग और रूटिंग करते हुए भेजने और प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी क्या होता है? ये होता है मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट। ठीक है, कौन होता है? मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट। इसके द्वारा क्या होता है, ईमेल जो संदेश होते हैं, ईमेल जो होता है, ठीक है, उसको जहां उसे भेजना है उसको सही समय पर, उसी जो समय आपने दिया है, जो तिथि आपने दी है, उसी तिथि पर भेजने के लिए मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट का उपयोग किया जाता है। ब्रज डिस्कवरी, अनुभूति, अभिव्यक्ति आदि हैं, ये क्या हैं? पत्र पत्रिकाएं, वेबसाइट हैं, पोर्टल हैं, हिंदी साहित्यिक वेबसाइट हैं। क्या हैं? ब्रज डिस्कवरी, अनुभूति, अभिव्यक्ति, ये सभी हिंदी साहित्य की वेबसाइट हैं। ठीक है, ऑनलाइन हिंदी साहित्यिक पत्रिका है। ऑनलाइन हिंदी साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? कथाबिंब, तद्भव, कादम्बिनी या सभी? तो ये सभी क्या हैं? ऑनलाइन हिंदी साहित्यिक पत्रिकाएं हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखना और इन्हें पढ़ना भी, अगर चाहें आप, मन करें तो आप इनको ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेब पत्रिका कौन सी है? वसुधा जो है वो इंटरनेशनल हिंदी वेब पत्रिका है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन पुस्तकें पढ़ने का साधन क्या है? ई पुस्तक, ई पुस्तकालय, पुस्तकालय या सभी? तो ई पुस्तकालय के द्वारा क्या पढ़ सकते हैं आप? ऑनलाइन पुस्तकें पढ़ सकते हैं। ठीक है, फोन में। ई पुस्तकालय से जुड़ने के लिए आवश्यक क्या होती है? कंप्यूटर, वेबसाइट की, इंटरनेट की, तीनों चीज़ों की आपकी आवश्यकता पड़ेगी। कंप्यूटर की जगह फ़ोन भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, मोबाइल भी हो सकता है आपका, तो उस चीज़ को भी, मोबाइल में आप इंटरनेट हो और वेबसाइट ओपन कर लोगे तो क्या है, पुस्तकालय जो है, ई पुस्तकालय पर बुक्स पढ़ सकते हो। ये ई पुस्तकालय का निर्माण का कारण क्या है? दुर्लभ जो दस्तावेज है, ठीक है, दुर्लभ का मतलब जो बहुत कम पाए जाते हैं, जो खत्म होने की कगार पर हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स, उनको संरक्षण के लिए क्या है, ई पुस्तकालय का निर्माण किया गया है। भ्रमण थोड़ी कर सकते हैं, इसका नाम भ्रष्टाचार हेतु। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑनलाइन शिक्षण का साधन क्या है? गूगल क्लासरूम। ठीक है, गूगल क्लासरूम के द्वारा आप तो कई एप्लीकेशन है, गूगल क्लासरूम, ड्यू पे भी हो जाती है, ठीक है, मीट पर भी हो जाती है, तो ये सारे आपके ऑप्शन हो जाएंगे। कह रहा है, छात्र सूचना प्रणाली SIS से आसान हो गया है। क्या आसान हो गया है? पूरा स्कूल संचालित करना, ठीक
ठीक है, सात छात्र जो सूचना प्रणाली है उसके द्वारा पूरा स्कूल संचालित करना जो है आसान हो गया है। ठीक है, गूगल मीट से अधिकतम कितने प्रतिभागी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं? तो अधिकतम जुड़ सकते हैं आपके एक बार में 100। ठीक है, एक बार में 100। यहाँ पे कह रहा है कि गूगल मीट है, क्या है गूगल मीट? गूगल मीट एक दृश्य यानी कि जिसमें दिखता भी है, श्रव्य मतलब सुन भी सकते हैं, वाचन मतलब बोल भी सकते हैं, लेखन मतलब लिख भी सकते हैं। ठीक है, एक मीटिंग में ऑनलाइन आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, तो वो ऐसी वेबसाइट जो है एप्लीकेशन है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। गूगल मीट को आप कहाँ से जो है स्टोर कर सकते हैं? गूगल जो आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर, और एप्पल का है तो एप्पल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जूम क्या है? जूम पर आपने कोरोना के समय में लॉकडाउन में काफ़ी मीटिंग्स अटेंड की होंगी, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा है ये एक प्रकार की। ठीक है, जूम मीटिंग से उपस्थित हुआ जा सकता है किसमें? लैपटॉप के द्वारा, कंप्यूटर, मोबाइल, सभी के द्वारा जो है उसमें उपस्थित हो हुआ जा सकता है। ठीक है, जूम मीटिंग की विशेषता क्या है? आमने सामने बैठकें हो जाती हैं, सही बात है, रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, समूह वीडियो सम्मेलन ये भी हो सकता है, यानी कि तीनों ऑप्शन आपके सही हैं यहाँ पर। ठीक है, तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बड़े समूह, बड़ी कंपनियां, वेबिनार आयोजित करने हेतु उचित विकल्प क्या है? जूम। ठीक है, जूम पर क्या है? सेमिनार्स होती हैं। ठीक है, सेमिनार्स होती हैं, ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है ये जिसके थ्रू आप सेमिनार कर सकते हैं और बहुत सारे काम कई लोगों को एक साथ बिठाकर कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन। विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन इसमें से कौन सा है? जीमेल है, याहू है, आर्ची है, इन्फोसिस है। तो इनमें सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है वो है याहू। ठीक है, याहू सबसे बड़ा सर्च इंजन है। ऑनलाइन शिक्षण का साधन है क्या है? ऑनलाइन शिक्षण का साधन क्या है? गूगल क्लासरूम। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षण इसके थ्रू कर सकते हैं आप। इंटरनेट द्वारा चलने वाले ऐप कौन कौन से हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सभी इंटरनेट से ही चलते हैं। किससे चलते हैं? सभी इंटरनेट से ही चलते हैं। सोशल मीडिया का प्रमुख महत्व क्या है? क्या है सोशल मीडिया का प्रमुख महत्व? शिक्षक कार्यों में आसानी होती है, सहयोग में का आदान प्रदान बढ़ता है, और व्याख्यानों का सीधा प्रसारण होता है, यानी कि सारे जो है सोशल मीडिया का प्रमुख महत्व हो जाता है। इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इंटरनेट का पूर्ण रूप हो जाएगा आपका इंटरकनेक्टेड कनेक्टेड नेटवर्क। क्या हो जाएगा? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, वह प्रथम पत्रिकाएं जो इंटरनेट पर उपलब्ध हुई कौन कौन सी हैं? वो द हिंदू, इंडिया टुडे, इनमें से कोई नहीं या दोनों? तो दोनों हैं ये, द हिंदू और इंडिया टुडे, दोनों पत्र पत्रिकाएं। ठीक है, पत्र पत्रिकाएं हैं ये दोनों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले विश्व का प्रथम उपन्यास का नाम क्या है? इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम उपन्यास का नाम क्या है? क्या राइडिंग द बुलेट है? ठीक है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम विश्व का प्रथम उपन्यास आपको बताना है। गुनाहों का देवता, गोदान, आलमारा, ये तो हिंदी है, ये तो हो ही नहीं सकते भैया। राइडिंग द बुलेट, ठीक है, इंग्लिश वाला ही होगा आपका यहाँ पर सही आंसर। डब्ल्यू 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 के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, यहाँ पर हमें बताना है डब्ल्यू 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 के प्रवर्तक टिम बर्नर्स ली कौन हो जाते हैं? टिम बर्नर्स ली। HTML का पूरा नाम क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ब्राउजर, ब्राउजर है, ब्राउजर क्या होता है हमें बताना, ब्राउजर क्या है? लैन में कंप्यूटर को लॉक करने वाला सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है, लैन में कंप्यूटर का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर है, या सभी? इंटरनेट पर वेब पेज जब सर्च करते हैं हम तो उस किसमें करते हैं? ब्राउजर, आपने देखा होगा एक, ठीक है, ब्राउजर गूगल का एक एप्लीकेशन है, उससे इंटरनेट पर वेब पेज आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, URL http://www. में HTTP जो होता है वो क्या होता है? उसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो वो एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटोकॉल। क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। सूचना राजपथ, इंफॉर्मेशन हाईवे क्या है? सेलुलर फोन है, वेब सिस्टम है, एनालॉग है, या इंटरनेट है? क्या है? सूचना राजपथ आपका क्या है? इंटरनेट है। ठीक है, सूचना राजपथ क्या है आपका? इंटरनेट। ठीक है,
इंटरनेट है आपका। कह रहा वेब अस्तित्व में किस देश में आया, वेब अस्तित्व में यानी कि वो कहना चाह रहा है कि वेब कवा कौन से देश में आया, ठीक है, वेब कौन से देश में सर्च किया गया था, वेब का जो आविष्कार है, वेब का आविष्कार जो हुआ था वो कौन से देश में हुआ था, वेब अस्तित्व में किस देश में आया, तो अमेरिका में आपका वेब जो है डेवलप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वेबसाइट को एक्सेस करने पर सबसे पहले दिखाई देने वाले पेज को कहते हैं, क्या कहते हैं, होम पेज, ठीक है। आपका जो फोन होता है सबसे पहले जो विंडो देखती है उसे क्या बोलते हैं, होम पेज ही तो बोलते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं होम पेज, ठीक है। इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पुटनेट, डाउनलोडिंग, पुशिंग, ट्रांसफरिंग। इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करते हैं आप, जो उसे कहते हैं डाउनलोडिंग, ठीक है। मान लो कोई डॉक्यूमेंट है, कोई कुछ भी है, वेबसाइट से आपने लिया तो उसे डाउनलोडिंग ही तो करते हैं पहले अपने फोन में, तो वही चीज ये बता रहा है, वही चीज ये बता रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, कह रहा है कि इंटरनेट पर www का अर्थ क्या है, क्या है भैया www का अर्थ, वर्ल्ड वाइड वेब, क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, याहू, गूगल, MSN, ये क्या है, इंटरनेट साइट्स हैं, क्या है, याहू है, गूगल है, MSN है, ये सभी इंटरनेट साइट्स हैं। कार्बन कॉपी की शॉर्ट फॉर्म क्या है, कार्बन कॉपी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो CC है, कार्बन कॉपी, C4 कार्बन, C4 कॉपी, ठीक है। CC किसको किसके लिए यूज होता है, कार्बन कॉपी। अभी बताया था जो इंस्टाग्राम है उसकी लॉन्चिंग कब हुई थी, 2010 में, ठीक है, 2010 में ब्रायन एक्टन और जॉन कैम, ठीक है, जैन काम द्वारा स्थापना किसकी की गई थी, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, ब्रायन एक्टन और जॉन कैम वाला, व्हाट्सएप की इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, कंसोर्टियम W3C की स्थापना हुई थी 1994 में, कब हुई थी, 1994 में। मोजेक का विकास किसने किया था, मार्क एंडरसन ने, ठीक है, मार्क एंडरसन ने मोजेक का विकास किया था। इंटरनेट प्रोटोकॉल की शॉर्टकट फॉर्म क्या है, आईपी, आईपीसी, आईपी या आईपीई या आईपी, आईईपी, तो इंटरनेट, आई फॉर इंटरनेट और पी फॉर प्रोटोकॉल, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहां से हो जाएगा। डोमेन नेम में अधिकतम कितने करेक्टर हो सकते हैं, डोमेन नेम में अधिकतम कितने करेक्टर हो सकते हैं, 64 करेक्टर आपके हो सकते हैं, कितने, 64 करेक्टर आपके डोमेन नेम में हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित वेब ब्राउजर होता है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित वेब ब्राउजर है, कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका सही आंसर यहां से हो जाएगा। कह रहा है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन में इन संकेत करता है, किसका संकेत करता है, इन फॉर, इंडोर, इंडियर या इंडिया, तो कंट्री कोड जो होता है उसमें डोमेन नेम में जो इन आता है, डॉट इन जो लगाते हैं हम, तो वो इंडिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ये बताना है आपको, साइंस डायरेक्ट, अल्विस्टा, अल्टाविस्टा, गूगल या आर्कुट, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइंस डायरेक्ट है ये क्या है, सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। अल्टाविस्टा, आर्कुट और गूगल, ये तीनों कहाँ है, सर्च इंजन है, ठीक है। गूगल का आप सब सर्वाधिक इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही आर्कुट और अल्टाविस्टा जो है वो भी एक प्रकार से सर्च इंजन है आपकी। किसने लिखा कि इंटरनेट पर हिंदी साहित्य सामग्री मूलतः 2 कोटि में आती है, किसने लिखा था ये, रॉबिन मनसेल, ठीक है, रॉबिन मनसेल, किस क्या लिखा था, इंटरनेट पर हिंदी साहित्य सामग्री मूलतः 2 कोटि में आती है। ईमेल के जन्मदाता, ईमेल किसने बनाई थी, रे टॉमलिंसन, ठीक है, रे टॉमलिंसन, इन्होंने क्या बनाई थी, ईमेल इन्होंने बनाई थी। भारत की पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी कौन सी है जिसने इंटरनेट पर जो है अपनी वेबसाइट बनाई, तो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, बीजेपी ने क्या है, भारत की पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी हो गई है जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है
ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चलते हैं, नेक्स्ट आपकी अगली जो है यूनिट, यूनिट नंबर 8, 7, ठीक है। सातवीं यूनिट जो है आपकी भाषा, हिंदी भाषा और ई शिक्षण। क्या है? हिंदी भाषा और ई शिक्षण। ये कब है? अपनी दिल्ली पत्रिका है, ठीक है। ये वाली आपकी सातवीं यूनिट यहाँ से शुरू हो जाएगी। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी दिल्ली पत्रिका है, किसकी पत्रिका है, कैसी पत्रिका है, कैसी है? साप्ताहिक पत्रिका है, यानी कि हर सप्ते बाद, यानी कि हर 7 दिन बाद वो आती है अपनी दिल्ली, ठीक है। राजेंद्र यादव ने किस पत्रिका का संपादन किया, यहाँ पर बताना है। हिंदी भाषा और ई शिक्षण से संबंधित इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है कि राजेंद्र यादव ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो राजेंद्र यादव की पत्रिका आपकी कौन सी थी? सरस्वती, वागर्थ, वाङ्मय या हंस? तो यहाँ पर सही आंसर आपका पता ही है आपको, हंस, ठीक है। हंस आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कह रहा है कि पर्यावरण को समर्पित कौन सी पत्रिका है, ठीक है। पर्यावरण को समर्पित, समर्पित यहाँ पर कौन सी पत्रिका हो जाएगी? सरस्वती, दुधवा, कल्याण, परिचय। चार ऑप्शन आपके हैं। तो दुधवा जो पत्रिका है वो आपकी जो है पर्यावरण को समर्पित, समर्पित पत्रिका हो जाएगी। भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ, कब हुआ था? 20 जुलाई को, 24 को, 15 को या 23 जुलाई को, ठीक है। तो 23 जुलाई 1927 को जो है पहला रेडियो प्रसारण किया गया था भारत में। 1947 में भारत में कितने रेडियो प्रसारण केंद्र थे, कितने थे आपके? 6 प्रसारण केंद्र थे 1947 में, ठीक है। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तब भारत में जो है 6 रेडियो प्रसारण केंद्र थे। ऑल इंडिया रेडियो नामकरण कब अस्तित्व में आया था? ऑल इंडिया रेडियो कब आया था? 1936 में, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो कब आया था? 1936 में। भारत में टेलीविजन का प्रथम समाचार बुलेटिन कब प्रसारित हुआ? 15 अगस्त 55 में, 60 में या 50 में या 65 में? तो डी ऑप्शन कह रहा है कि 15 अगस्त 1965 को टेलीविजन का पहला समाचार बुलेटिन प्रसारित हुआ था आपका, ठीक है। तो 1965 में आपका शुरू हुआ था। पहली बोलम बोलती फिल्म, आप सभी को पता होगा आलम आरा जो है वो पहली बोलती फिल्म थी आपकी, ठीक है। आलम आरा कौन सी थी? पहली बोलती फिल्म आपकी थी। क्वेश्चन है कि ब्लॉक को लोकतंत्र का पांचवा स्तंभ किसने कहा है, किसने कहा है? गिरीश पंकज ने, राजेंद्र यादव ने, गोपेश्वर सिंह ने या बालेंदु शर्मा दधीची ने, ठीक है। तो यहां पर जो गिरीश पंकज हैं, गिरीश पंकज हैं, इन्होंने क्या कहा है? गिरीश पंकज ने जो है ब्लॉक को लोकतंत्र का पांचवा, लोकतंत्र का पांचवा स्तंभ कहा है। हाथ से लिखी गई पांडुलिपि को स्कैन करके इंटरनेट के माध्यम से पोस्ट करने को क्या कहते हैं? हाथ से जो लिखी हुई पांडुलिपि होती है उसको आपने स्कैन किया और उसको इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया, उसे कहते हैं इंक ब्लॉगिंग। क्या कहते हैं उसे? इंक ब्लॉगिंग। प्रसिद्ध ब्लॉग एग्रीगेटर हैं कौन है? कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र या नारद, ठीक है। तो प्रसिद्ध ब्लॉग एग्रीगेटर कौन है आपके? नारद जी जो हैं। फेसबुक के संस्थापक कौन है? सभी को पता होगा फेसबुक के संस्थापक कौन है। फेसबुक के संस्थापक आपके कौन है? मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। फेसबुक के संस्थापक आपके कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ई शिक्षण की कौन सी शैली में शिक्षक एवं छात्र एक साथ उपस्थित हो सकते हैं? सिंक्रोनस संप्रेषण शैली। कौन सी? सिंक्रोनस संप्रेषण शैली, ठीक है। सिंक्रोनस संप्रेषण शैली में आपके शिक्षक और छात्र एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ज्ञान दर्शन चैनल का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ज्ञान दर्शन चैनल कब शुरू में हुआ था? 2000 में। कब हुआ था? वर्ष 2000 में, ठीक है। विस्तृत खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम कौन सा है? एनसीईआरटी, स्वयं, एमओओसी, एड्यूसेट। तो आपका एमओओसी जो है वो खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम है, ठीक है। क्या है? ओपन ऑनलाइन स्टडी जो है आपका एमओओसी है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है अपने रोजगार से संबंधित अन्य कार्य करते हुए भी विद्यार्थी किस शिक्षा प्रणाली में अध्ययन कर सकता है, ठीक है। अगर वो रोजगार कर रहा है तब भी क्या है? आवासीय कक्षा, कक्ष प्रणाली में ई शिक्षण द्वारा जो है
उपर्युक्त दोनों द्वारा जो है अध्ययन कर सकता है। ठीक है, अमर उजाला क्या है? दैनिक पत्र। आप सभी को पता है अमर उजाला क्या है? दैनिक पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और तकनीक पर आधारित पत्रिका कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिकी, अक्षर पर्व, अन्यथा, ठीक है, या क्षितिज। तो जो विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है वो इलेक्ट्रॉनिकी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकी। वागर्थ पत्रिका क्या है? मासिक पत्रिका आपकी जो है वागर्थ पत्रिका है। कैसी है? मासिक है ये। ब्लॉग सेतु क्या है? ब्लॉग सेतु किसे कहते हैं? व्यक्तिगत ब्लॉग को, वेबसाइट को, या सामूहिक ब्लॉग को? तो सामूहिक ब्लॉग को क्या कहते हैं? ब्लॉग सेतु कहते हैं। शैक्षणिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया? कब किया गया शैक्षणिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण? ठीक है, ये बताना है हमें। तो 20 सितंबर 2004 को, ठीक है, कब किया गया था? 20 सितंबर 2004 को। ज्ञान दर्शन प्रथम दूरदर्शन प्रसारण सेवा प्रारंभ किसके द्वारा की गई? ज्ञान दर्शन प्रथम दूरदर्शन प्रसारण सेवा किसके द्वारा प्रारंभ की गई? उपर्युक्त सभी, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना प्रसारण और प्रसार भारती और इग्नू, सभी के द्वारा क्या है? ज्ञान दर्शन प्रथम दूरदर्शन प्रसारण सूचना सेवा जो है प्रारंभ की गई। ज्ञान दर्शन प्रथम की शुरुआत कब हुई थी? 2000 में, 2006 में, 4 में, 6 में, ठीक है। तो 26 जनवरी को 2000 में ज्ञान दर्शन प्रथम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ज्ञान दर्शन तृतीय चैनल का शुभारंभ कब हुआ था? तो 26 जनवरी 2003 को, 5 को, 7 को, 9 को। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 2003 को ज्ञान दर्शन तृतीय चैनल की जो है शुभारंभ किया गया था। कह रहा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सेवा कौन सी है? कह रहा ई मित्र, CSC, ई लर्निंग, ई गवर्नेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सेवा है वो है CSC, ठीक है, CSC। यहाँ पर CSC ग्रामीण क्षेत्रों में जो है स्थापित किए गए हैं। आप सभी को पता है एडुसेट का प्रमुख उद्देश्य है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एडुसेट का प्रमुख उद्देश्य है क्या है? भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, और यहाँ पर शिक्षा का वैकल्पिक माध्यम विकसित करना। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज्ञानवाणी क्या है? FM रेडियो चैनल, TV चैनल, रेडियो चैनल, या नेटवर्क चैनल। ठीक है, तो FM रेडियो चैनल क्या है? ज्ञानवाणी आपका हो जाएगा, FM रेडियो चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानवाणी का प्रसारण कौन सी भाषा में नहीं होता है? कौन सी भाषा में नहीं होता है? उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेजी में, क्षेत्रीय भाषा में। तो जो ज्ञानवाणी है उसका प्रसारण आपका उर्दू में ना होके हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा सभी में किया जाता है। ज्ञानवाणी केंद्र की प्रसारण सीमा कितनी होती है? ज्ञानवाणी जहां पर स्थापित होता है वहां से 60 किलोमीटर तक आप ज्ञानवाणी को सुन सकते हैं। ठीक है, ज्ञानवाणी को आप 60 किलोमीटर तक सुन सकते हैं। इग्नू द्वारा आरंभ किया गया ज्ञान दर्शन है क्या है? उपग्रह आधारित शिक्षक शिक्षक टीवी चैनल, शैक्षणिक FM रेडियो नेटवर्क, अकेडमिक नेटवर्क की वैश्विक पहल, या ऑनलाइन पाठ्यक्रम। तो इग्नू द्वारा आरंभ किया गया ज्ञान दर्शन जो है वो संबंधित है आपका उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी चैनल से। ठीक है, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज्ञान दर्शन फर्स्ट शैक्षिक टीवी चैनल का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करना, ये है। सामान्य स्कूलों कॉलेज शिक्षा का प्रसार करना, ये भी है। तकनीकी शिक्षा का प्रसार करना, ये नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप, ज्ञान दर्शन फर्स्ट का तकनीकी शिक्षा से संबंधित नहीं है। ज्ञान बाणी कार्यक्रम के प्रसारण का दायित्व किसे सौंपा गया है? किसे सौंपा गया है? इग्नू को। ठीक है, इग्नू को सौंपा गया है। ठीक है, ज्ञानवाणी कार्यक्रम के प्रसारण का दायित्व किसे सौंपा गया है? इग्नू को। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर यहां से हो जाएगा। ज्ञान दर्शन शैक्षिक टीवी चैनल का प्रसारण होता है। ज्ञान दर्शन शैक्षिक टीवी चैनल का प्रसारण 24 घंटे आपका किया जाता है। कितने घंटे? 24 घंटे किया जाता है। ज्ञानवाणी के कार्यक्रमों को का प्रसारण कितने घंटे किया जाता है? तो ज्ञानवाणी के कार्यक्रम जो होते हैं उनका प्रसारण 16 घंटे किया जाता है। ठीक है, 16 घंटे आपका किया जाता है। शब्द संसाधन क्या है? संसाधन शब्द क्या है? एक विधा है, MS ऑफिस है, एक एप्लीकेशन है, या उपर्युक्त आभा, दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही
होगा वो होगा आ और बा दोनों। ई शिक्षा को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? ई शिक्षा को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? दो श्रेणियों में आपका विभाजित किया गया है, ठीक है, दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ई शिक्षा के कौन से प्रकार हैं? कौन से प्रकार हैं? सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, उपर्युक्त, दोनों, ठीक है। तो ई शिक्षा के जो प्रकार हैं वो दोनों हैं, ठीक है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। सिंक्रोनस शैक्षिक व्यवस्था का तात्पर्य क्या है? क्या तात्पर्य? एक ही समय में, ठीक है, एक ही समय में नहीं, किसी भी समय नहीं। तो सिंक्रोनस जो शैक्षिक व्यवस्था है उसका तात्पर्य है एक ही समय में, ठीक है। असिंक्रोनस शैक्षिक व्यवस्था का तात्पर्य क्या है? एक समय में नहीं, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ई लाइब्रेरी के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करने का स्रोत क्या हो जाएगा? मैगजीन, पुस्तकें, समाचार पत्र या सभी के द्वारा जो है आप जो है सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। ई लाइब्रेरी में सूचनाएं किन माध्यमों द्वारा होती हैं, प्राप्त होती हैं? नक्शों के द्वारा, वेबसाइट द्वारा, टीवी, रेडियो या सभी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑनलाइन कोर्स, ब्लॉग, वेबसाइट, वीडियो, ट्यूटोरियल, ई बुक्स किस शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित हैं? तो असिंक्रोनस से ये संबंधित होते हैं। एक्स थ्री डी, ये क्या है? एक्स थ्री डी एक फिल्म है, कार है, कैमरा है या भाषा है? तो एक्स थ्री डी एक भाषा हो जाती है आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भाषा BRML वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग को स्थापित कर इंटरनेट में आभासी पर्यावरण का निर्माण करती है? तो वो एक्स थ्री डी आपकी भाषा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? एक्स थ्री डी। जिनेंद्र सोनी की टीम निःशुल्क डिजिटल शिक्षण पर कार्य किस वर्ष से कर रही है? कब से कर रही है जिनेंद्र सोनी की टीम निःशुल्क डिजिटल शिक्षण? 2019 से निःशुल्क डिजिटल शिक्षण उनके द्वारा किया जा रहा है। सर्वशिक्षा अभियान का कब से शुरू हुआ था? 2001-2 से सर्वशिक्षा अभियान आपका शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञान दर्शन चैनल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ज्ञान दर्शन जो चैनल है वो कब लॉन्च किया गया था? 26 जनवरी 2000 को, ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। मूक्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? मूक्स को किस वर्ष किया गया था? 2008 को, ठीक है, 2008 को मूक्स को प्रस्तुत किया गया था। इनमें से कौन सा संगठन शैक्षिक योग्यता में सक्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंध रखता है? तो NUEPA, ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। इंटरनेट पर आधारित संचार के आरंभिक प्रयास किसके लिए किए गए थे? तो यहाँ पर सैन्य उद्देश्य के लिए जो है किए गए थे, ठीक है, सैन्य उद्देश्य के लिए किए गए थे। संस्थानों के तहत आंतरिक संचार किसके द्वारा किया जाता है? EBB, LAN, MMS या सभी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, हटना पड़ता है मुझे, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? लैन, ठीक है, लैन आपका सही आंसर हो जाएगा। संस्थानों के तहत लैन जो डेटा होता है, लैन के द्वारा आंतरिक संचार जो है किया जाता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। ब्लॉगर और वर्डप्रेस के ब्लॉग किसके लिए उपयुक्त है? ब्लॉगर और वर्डप्रेस के जो ब्लॉग है वो हिंदी के लिए उपयुक्त है, ठीक है, हिंदी के लिए आपके उपयुक्त हो जाते हैं। ऑनलाइन हिंदी साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? कथाबिंब, तद्भव, ये दोबारा हो गया क्वेश्चन आपका, रिपीट हो गया। यहाँ पर आपके चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ऑनलाइन पुस्तकें पढ़ने का साधन क्या है? ई पुस्तकालय, ये भी बताया था आपको। गूगल मीट आपको पता है। दृश्य श्रव्य वाचन ब्लॉग क्या है? वीडियो ब्लॉग, ब्लॉग क्या है, देखो ये है, ब्लॉग क्या होता है? वीडियो ब्लॉग को क्या कहते हैं? ब्लॉग कहते हैं, आप देखते होंगे ब्लॉग क्या होता है। सोशल मीडिया साइट फेसबुक कहाँ की कंपनी है? सोशल मीडिया साइट फेसबुक, फेसबुक कहाँ की है? मार्क जुकरबर्ग के द्वारा जो बनाई गई है वो कहाँ की है? अमेरिका की, ठीक है, हमें मार्क जुकरबर्ग कहाँ के हैं? अमेरिका के। फेसबुक के संस्थापक का क्या नाम है? मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर कैसा सॉफ्टवेयर है? ब्लॉगिंग के लिए, ठीक है, ब्लॉगिंग के लिए, माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। आठवीं और लास्ट आपकी जो है, लास्ट और आखिरी जो क्या नाम है आपकी इकाई है, आठवीं, ठीक है, आठवीं इकाई क्या कह रही है? हिंदी कंप्यूटर टंकण, यानी कि हिंदी में टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का सैद्धांतिक पक्ष
और हिंदी साहित्य में शोध, ठीक है। इन सारे संबंध इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे।